जेल में बंद क्यारके के ऊपर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है पुलिस की कैद में ही क्यारके को जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है पिछले ही हफ्ते मंगलवार को पुलिस ने क्यारके को उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से दबोच लिया जब वो दुबई से यहाँ आए थे क्यारके ने साल 2020 में इरफान खान और ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसे लेकर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था इसके बाद कोर्ट ने क्यारके को चौदह दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जेल में ही बनते कि अब एक बार फिर दूसरे थाने की पुलिस ने क्यारके को फिर से गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इस बार क्यारके की गिरफ्तारी ट्वीट के मामले में नहीं बल्कि एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में हुई है क्यारके पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 2019 में एक शिकायतकर्ता का हाथ पकड़कर उससे सेक्सुअल फेवर की मांग की थी अब केआरके को इस केस में भी घसीट लिया गया है केआरके बॉलीवुड के सबसे बड़े विरोधी फिल्म क्रिटिक माने जाते हैं इन दोनों सोशल मीडिया पर चल रहे बाइकॉट ट्रेंड का केआरके खुलकर समर्थन कर रहे थे केआरके ये दावा करते रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्मों को हिट और फ्लॉप कराना उनके हाथ में है फिलहाल तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि के आर के की गिरफ्तारी के पीछे बॉलीवुड का ही हाथ है और अब बॉलीवुड नहीं चाहता कि के आर के जल्द जेल से बाहर निकलें फिलहाल तो के आर के लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई है अब देखते हैं कि आगे के आर के साथ और क्या क्या होता है फिलहाल आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसे अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए